नमस्कार विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करोड़ों लोगों ने किया योग। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत और विदेशों में करोड़ों लोगों ने योग किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में योगासन करते हुए मुख्य समारोह का नेतृत्व किया और कहा कि योग धार्मिक कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने रक्षा बलों और स्कूली बच्चों सहित 30,000 लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि योग हमें शून्य बजट में स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग समारोह की शुरुआत की, जहां बड़े योग कार्यक्रम में करीब 1,000 लोगों ने भाग लिया। योग को लेकर विवाद भी हुआ, जब केरल की स्वास्थ्य मंत्री और माकपा की वरिष्ठ नेता के शैलजा ने इस कार्यक्रम के दौरान संस्कृत श्लोक पढ़े जाने पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने कोई औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। हालांकि रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव उन केंद्रीय मंत्रियों में रहे जिन्होंने आज बिहार में अलग अलग कार्यक्रमों में योग सत्र में हजारों लोगों की अगुवाई की। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी ने वृहद योग शिविर में हिस्सा लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में योग समारोह में हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री उमा भारती कार्यक्रम में मौजूद रहे। रेप पीड़िता की तरह महसूस करने वाले बयान पर सलमान की कड़ी आलोचना। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर कहा है कि फिल्म सुल्तान के एक दृश्य की कठोर और थकाऊ शूटिंग के बाद उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता की तरह महसूस किया। उनके इस बयान के बाद उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। 50 वर्षीय सलमान को कुश्ती पर आधारित फिल्म सुल्तान के लिए कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ा था। उन्होंने ऑनलाइन मनोरंजन पोर्टल स्पॉट बॉय को दिए साक्षात्कार में कथित तौर पर कहा है कि फिल्म सुल्तान के दृश्य की थका देने वाली शूटिंग करने के बाद उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता की तरह महसूस किया। उन्होंने कहा कि उन 6 घंटों की शूटिंग के दौरान मुझे भारी वजन वाले व्यक्ति को उठाना पड़ता था, यह करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि उनके पिता सलीम खान ने भी सलमान के बयान को गलत बताया है। लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी गिरफ्तार। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर को गिरफ्तार किया है, यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सोमवार शाम को कुपवाड़ा के सोगाम इलाके में एक अभियान के दौरान अबू उकाशा को गिरफ्तार किया। उसे हंजुला के रूप में भी जाना जाता है। उकाशा के खुलासे पर सुरक्षा बलों ने लश्कर के ही एक अन्य आतंकी अबू बकर को पकड़ने के लिए पास के जंगलों में खोज अभियान शुरू कर दिया। कर विभाग ने कहा, आयकर रिटर्न न भरने वालों पर जुर्माना लगाएं। आयकर रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो। साल 2015 में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 58.95 लाख हो गई जिन पर कर उत्तरदायित्व है और उन्होंने रिटर्न नहीं भरा हो। 2014 में रिटर्न न भरने वालों की संख्या 22.09 लाख थी। रिटर्न न भरने वालों की तादाद 2013 में 12.19 लाख थी। आयकर कानून की धारा 276 सीसी के तहत ऐसा न करने वालों के लिए 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।